स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पॉइंटिंग वेक्टर। तो इसको डिफाइन करते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअली एक रेशो है। रेशो किसका? रेशो है ये रेट ऑफ एनर्जी ट्रेवल्ड थ्रू पर यूनिट एरिया इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन बटे में टू द इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम। यानी कि रेशो है कितनी एनर्जी आपकी ट्रैवल हुई है ओवर में कितनी एनर्जी आपको मिली थी। इसका सिंबल होता है P और P को लिखते हैं हम E क्रॉस H वेक्टर, जहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है और H हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डेंसिटी। और हम जानते हैं B इज इक्वल टू म्यू H होता है, इसलिए हम इसको लिख पा रहे हैं E क्रॉस में B ओवर में म्यू। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब उसके रिगार्डिंग हमारे पास है पॉइंटिंग थ्योरम। तो बात करते हैं पॉइंटिंग थ्योरम हमारे पास क्या है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग थ्योरम इट स्टेट्स डैट नेट पावर फ्लोइंग आउट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन दैट वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय द कंडक्शन लॉसेस। यानी कि इसमें कई फैक्टर है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास है नेट पावर, ये बात कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के द्वारा जो पावर क्रिएट हुई है वो पावर पर यूनिट वॉल्यूम वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी स्टोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उसके अंदर जो टाइम रेट ऑफ चेंज है हमारे पास, ठीक है, वो इसके इक्वल होगी हमारे पास। अगर बात करते हैं इसके प्रूफ की, प्रूफ हमारे पास क्या है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैक्सवेल्स के लॉ। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थर्ड लॉ, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड इक्वेशन नंबर फोर क्या होती है हमारे पास कि कर्ल ऑफ H क्या होता है हमारे पास, J वेक्टर प्लस में कर्ली D और में कर्ली T। J करंट डेंसिटी है और D हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, नाउ को यूज़ करते हैं। अब इक्वेशन नंबर थ्री का हम लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट विद H और इक्वेशन नंबर फोर का हम लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट विद इक्वेशन नंबर विद E। तो यूज़ करने पर दिस इक्वेशन बिकम्स H डॉट कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच डॉट कर्ली बी अपॉन में कर्ली टी। इन द सेम वे दिस इक्वेशन बिकम्स ई डॉट कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस में ई डॉट कर्ली डी अपॉन में कर्ली टी। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर दो को इक्वेशन नंबर एक में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यू विल गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन और दिस इन दोनों इस टर्म में से हम इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। बट हम जानते हैं फॉर्मूला होता है हमारे पास कि ग्रेडियंट या फिर डाइवर्जेंस दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो डाइवर्जेंस है वो इसके इक्वल होता है हमारे पास। तो अगर ये इसके इक्वल है हमारे पास तो इसको हम लिख पा रहे हैं इस फॉर्म में, यानी कि इन दोनों को हम लिख पा रहे हैं एज डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच, ठीक है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री अब हमारी क्या बन जाएगी, ठीक है, आपको याद ही होगा कि हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच इज इक्वल टू, ये आपकी जो टर्म्स है वो एस टी हमारे पास रहेगी, ठीक है। अब देख लीजिए, एज वी नो डैट अब हम इस टर्म को और इस टर्म को मैनिपुलेट करेंगे। दिस टर्म कैन बी रिटन एज एच डॉट कर्ली वन में कर्ली टी, बी को लिख पा रहे हैं म्यू एच वेक्टर, ठीक है, म्यू बार आ गया आपका, अंदर बचेगा एच वेक्टर डॉट कर्ली एच वन में कर्ली टी, ठीक है, म्यू कर्ली वन में कर्ली टी। अगर इसको ओपन करोगे यू विल गेट दिस रिजल्ट, देख लीजिए, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं हमारे पास पावर आगे आती है टू एच आगे आ गया हमारे पास, फिर एच का डेरिवेटिव क्या बनेगा टू एच कर्ली एच ओवर कर्ली टी, टू नीचे भी था टू कट गया आपका, यू विल गेट सेम रिजल्ट। यानी कि इसको लिख पा रहे हैं इस फॉर्म में हमारे पास, ठीक है, या फिर इस फॉर्म में। इसी तरीके से हम ई डॉट कर्ली डी ओवर कर्ली टी को लिख पा रहे हैं इस फॉर्म में, ई डॉट कर्ली वन में कर्ली टी, डी को लिख देंगे ई एप्सिलॉन इनटू में ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आपका बाहर आ गया, अंदर बचेगा ई
डॉट में करली ओवर में करली टी इंटू में ई वैक्टर, ओके इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ऐसे ही इसको लिख पाएंगे इस फॉर्म में, अगर इसको आप इवेल्यूएट करती हो, इसको डिफरेंशिएट करते हो, यू विल गेट दिस रिजल्ट, या फिर इस फॉर्म में, ओके। नाउ इन दोनों को पुट करना है हमें वापस यहाँ पर, यू विल गेट दिस रिजल्ट डेट डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच ये वाली टर्म वुड बी इक्वल टू, अब इसको चेंज कर देंगे हम यहाँ से, ये बना देंगे इसका माइनस में जो था हमारे पास ई डॉट जे वैक्टर, ये रहेगा एस इज हमारे पास, ठीक है। अब दोनों तरफ करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ ओवर कंप्लीट वॉल्यूम वी, यानी कि हमें वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है। सो इट बिकम्स डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ कर्ली फॉर्म में कर्ली टी, ये टर्म आपकी एस इज इंटू में डी, माइनस में इंटीग्रेशन किसका इस टर्म का ओवर कंप्लीट वॉल्यूम वी डी, ठीक है। अब हम जानते हैं बाई डेफिनेशन पॉइंटिंग वैक्टर क्या होता है हमारे पास, पी इज इक्वल टू ई क्रॉस एच, तो इसको लिख पाएंगे डाइवर्जेंस ऑफ पी वेक्टर का वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस कर्ली फॉर्म में कर्ली टी। अब ये तो हमारे पास है एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की, ये हमारे पास है एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इनको सम कर देंगे, यू विल गेट टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, जिसको हमने नाम दिया है यू ई एम, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख पा रहे हैं माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट जे डी वी हमारे पास, ठीक है। ऑल्सो हम जानते हैं कि इस टर्म को अगर हम अप्लाई करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो हम डाइवर्जेंस किसी वेक्टर का उसका वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, उसी वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है हमारे पास, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 5 कैन बी रिटन एज, ये आपको यहाँ पर आ जाएगा, ये टर्म आपकी एस इज, और यही आपकी क्या पॉइंटिंग थ्योरम है, जहाँ पर ये हमारे पास क्या है टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम है, जो पावर वॉल्यूम को लीव करती है छोड़ देती है, और ये हमारे पास क्या है रेट ऑफ चेंज है किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, इसको मैंने डिक्रीज क्यों कहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है पावर डिसिपेटेड है, तो अगर इसको मैं फिर से डिफाइन करना चाहूँ अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग थ्योरम टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी माइनस पावर डिसिपेटेड, ठीक है। तो उस डेफिनेशन की बजाय आप डायरेक्ट यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं डेट अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग थ्योरम टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम इन अ बॉडी वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी माइनस पावर डिसिपिएटेड। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। थैंक यू।